हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ साड़ियाँ दिखाने वाली हूँ, और ये सभी साड़ियाँ ना मैंने मीशो से मंगाया है। तो ये जो साड़ियाँ मैंने मंगाया है ना, ये सभी साड़ियाँ बहुत ही कम रेंज में मिला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये नहीं समझो कि रेंज कम है तो साड़ियाँ का क्वालिटी कम होगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ये सभी साड़ियाँ है। तो मीशो में ना शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप घर बैठे आपके परिवार के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ना टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको बहुत ही कम प्राइसेस में मिलते हैं, और इंडिया के 1 करोड़ प्लस यूजर्स मीशो ऐप को यूज़ करते हैं। तो आज मैंने जो भी साड़ियाँ मंगाया है, इन सभी साड़ियों के कोड्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप अभी तक मीशो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीशो ऐप का लिंक दे दूंगी, वहां से अगर आप अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको फ्लैट 30% या 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा। तो चलो एक एक करके मैं जो भी साड़ियां मंगाया है ना उन सभी को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली साड़ी जो है ये ग्रीन कलर की साड़ी है, और ये ना शिफॉन साड़ी है, और ये साड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये साड़ी ना इस तरह से दिखता है, ये पूरी तरह से फ्लोरल डिजाइन में आया है। ऊपर के तरफ ये साड़ी इस तरह से है, और नीचे के तरफ देखोगे तो इस तरह के बड़े बड़े फ्लोरल डिजाइन में ये आया है, और ऊपर के तरफ देखेंगे तो ये छोटे छोटे फूल जैसा डिजाइन आया है। ओवरऑल ये साड़ी ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद तो और भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। और इसका ब्लाउज पीस जो है इस तरह से आया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इसका मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा अच्छा है। साड़ी भी अच्छा है और साड़ी का मटेरियल भी अच्छा है। मीशो में ना सभी प्रोडक्ट्स का दाम सही सही लगाया जाता है, क्योंकि इंडिया के हर मार्केट का सामान आपको मीशो पर सही दाम पर मिलेगा। किसी भी प्रोडक्ट का दाम यहाँ पे कम या ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए मीशो में ना सभी प्रोडक्ट्स का दाम सही सही लगाया जाता है। फ्रेंड्स, दूसरा जो साड़ी है, मतलब ये एक साड़ी नहीं है, दो साड़ियों का पैक आया है। तो दोनों साड़ी इस तरह के है। तो अभी ये पहला ये साड़ी मैं दिखाती हूँ। तो ये साड़ियाँ ना मैं डेली बेसिस में पहनने के लिए लिया है। साड़ी जो है वो बहुत ही लाइट वेट है, और दिखने में भी ना बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये साड़ी इस तरह से दिखता है। ये सफेद कलर के साड़ी में इस तरह के फ्लोरल डिजाइन में आया है, और बीच बीच में ये हमें दिखता है, और ऊपर ना छोटा सा बॉर्डर आया है, और नीचे में भी छोटा सा बॉर्डर इस तरह से प्रिंटेड बॉर्डर आया है। और इसका ब्लाउज जो है इस तरह से सिंपल ही ना मैंने डेली पहनने के लिए लिया है, क्योंकि डेली हम इतने काम करते रहते हैं तो इस तरह के साड़ियां पहनते हैं तो हमें काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और ये साड़ी पहन के बिना हमें कंफर्टेबल महसूस होगा। तो इसीलिए मैंने ये पैक मंगवाया है। दूसरी साड़ी है, ऑरेंज और येलो के कॉम्बिनेशन में ये साड़ी आया है। तो यहाँ पे देखो, ये पूरी साड़ी इस तरह से हमें दिखता है, और बीच बीच में इस तरह के डिजाइन आए हैं। ये तो ऊपर का तरफ है, और नीचे जब हम साड़ी देखते हैं तो नीचे के तरफ इस तरह का डिजाइन आया है, मतलब इस तरह का प्रिंट आया है। और इसका ब्लाउज पीस जो है इस तरह से रेड कलर में, और छोटे छोटे इस तरह के प्रिंटेड में डिजाइन आया है। तो ओवरऑल साड़ी जो है आपको इस तरह से दिखेगा। अगली साड़ी जो है ये साड़ी है, नेवी ब्लू कलर की साड़ी, और इसमें ना ग्रीन कलर के इस तरह का फ्लोरल डिजाइन आया है, और नीचे के तरफ ना बॉर्डर इस तरह का आया है। मतलब इस साड़ी का जो हाईलाइट है ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर भी देखो कितना अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल साड़ी जो है इस तरह के आपको दिखेगा, मतलब ऊपर के तरफ प्लेन ही रहेगा,
और नीचे के तरफ जब आप देखोगे तो नीचे के तरफ ना ग्रीन कलर का इस तरह का डिजाइन रहेगा। और ये साड़ी भी ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इसका मटेरियल का जब हम बात करेंगे तो ये शिफॉन साड़ी है। तो इस साड़ी का आंचल जो है ये इस तरह का आया है, मतलब रनिंग ही आया है, लेकिन यहाँ पे आंचल में भी ये बॉर्डर हमें दिखेगा। का ब्लाउज जो है इस तरह से आया है, ब्लाउज में भी ये हमें बॉर्डर दिया गया है। ये प्लेन हमें ब्लाउज पीस जो है ये हमें मिलता है। पिंक कलर का साड़ी है और पिंक कलर में ना ये आप नीचे के तरफ देखोगे तो व्हाइट और ब्लैक कलर के इस तरह का प्रिंट आया है। ये साड़ी ना बहुत ही कम रेंज का साड़ी है, लेकिन जब आप इस साड़ी को पहनोगे ना तो बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि इतने कम प्राइस में ये साड़ी मिला है। ये ना बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा, मतलब इस प्राइस में ये साड़ी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स ये साड़ी जो है ओवरऑल इस तरह का हमें दिखेगा, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना। ऊपर के तरफ ये पिंक कलर में इस तरह का हमें डिजाइन मिलेगा, नीचे जब हम देखेंगे तो नीचे में ना ब्लैक और व्हाइट कलर का ये जो डिजाइन है ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये साड़ी ना जॉर्जेट साड़ी है और इस साड़ी का आंचल ना कुछ इस तरह से आया है, मतलब ये ब्लैक और व्हाइट कलर का जो प्रिंट आया है ना पूरे साड़ी में नीचे के तरफ हमें दिखता है, लेकिन आंचल के तरफ आते आते ये डिजाइन जो है बहुत बड़ा दिया गया है। साड़ी का ब्लाउज पीस ना वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो आप देख सकते हो, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। मतलब साड़ी में नीचे के तरफ जो दिया गया है ना ब्लैक और व्हाइट कलर में, उसी तरह का ये ब्लाउज पीस दिया गया है। ये पिंक और रेड कलर का साड़ी है और ये साड़ी ना जब मैं मॉडल को पहने हुए देखी हूँ ना तो इतना मुझे अच्छा लगा और इस साड़ी का रिव्यूज भी ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो मुझे लगा ये साड़ी मुझे लेना ही चाहिए। और ये ना कितना अच्छा है, लेने के बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत ही अच्छा साड़ी लिया है। इसका जो बॉर्डर है ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो पूरी साड़ी जो है हमें इस तरह का दिखेगा। तो आंचल में भी साड़ी जैसा ही रनिंग आया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये बॉर्डर हमें दिखेगा आंचल में। ये भी एक शिफॉन साड़ी है और शिफॉन साड़ियाँ तो आपको पता ही होगा कितना अच्छा दिखता है और पहनने में भी अच्छा होता है ना। ब्लाउज पीस जो है इस तरह से प्लेन दिया गया है, पिंक कलर में प्लेन दिया गया है और बॉर्डर भी आया है। साड़ी जो है ये ब्लैक कलर की साड़ी है, तो मैं ज्यादातर ब्लैक कलर की साड़ियां पहनती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं इस साड़ी को देखने के बाद मुझे लगा कि अभी मुझे ये साड़ी लेना ही है, तो ये साड़ी मैंने लिया है। और इस साड़ी में ना आपको और भी कलर्स मिलेंगे, तो आप देख सकते हो। तो ये मैंने ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में लिया है, रेड और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑरेंज कलर का ये साड़ी का कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल साड़ी जो है इस तरह के दिखेगा, बीच बीच में ना आपको यहाँ पे दिख रहा है ना रेड एंड ऑरेंज कलर का प्रिंट हमें दिखता है। ये प्रिंट भी ना इस कलर में, मतलब ब्लैक कलर के इस साड़ी में ना ये एक हाईलाइट हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है।
और आंचल में ना ये डिजाइन जो है इस तरह से आया है, तो ये साड़ी पहनने के बाद ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और इस साड़ी का ब्लाउज पीस हम जब देखेंगे तो ये थोड़ा ऑरेंज कलर में दिया गया है, ऑरेंज और बीच बीच में रेड कलर का थोड़ा सा प्रिंट दिया गया है। साड़ियाँ आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये साड़ियाँ ना मैंने डेली बेसिस में पहनने के लिया है, और इनमें से कुछ साड़ियाँ ऐसे हैं कि हम त्योहारों के टाइम पे भी पहन सकते हैं। अभी कुछ त्योहार आने वाले हैं तो सभी त्योहार के लिए हम बहुत ही हेवी साड़ियाँ तो पहन नहीं सकते ना, तो ऐसे साड़ियाँ भी हम छोटे मोटे त्योहार में पहन सकते हैं। तो ये साड़ियाँ मैंने मीशो से मंगाया है। अगर आप मीशो ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मीशो ऐप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जरूर डाउनलोड कीजिए। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको फ्लैट 30% या 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा। और इन सभी साड़ियों का कोर्स भी मैं दे दूंगी, ये कोर्स को आप मीशो ऐप में जब सर्च करते हो तो ये साड़ियाँ आपको मिल जाएंगे, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही है, आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, और मेरे चैनल में कोई नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।